बांसुरी में कितने सप्तक बजते हैं? हाउ मेनी ऑक्टेव्स आर प्ले? समझो ये मध्य सप्तक हैं। मध्य सप्तक से दुगना नीचे मंद्र सप्तक हैं। मध्य सप्तक से दुगना ऊपर तार सप्तक हैं। तो बांसुरी में देखे, फ्लूट में तो सारे गमो पद निसा, वो हमने फर्स्ट लेसन में देखा हाउ टू प्ले। लेकिन सा के नीचे हम जाते हैं और जो नीचे ये अनुस्वार फुल स्टॉप दिए हैं, तो नी ध प, तो ये लोअर ऑक्टेव में मंद्र सप्तक में आएगा। और सारे गम पद निशा प्ले होने के बाद रे ग म तीनों पे अनुस्वार है, तो यानी कि क्या मतलब होगा कि रे ग म तार सप्तक हैं, हायर ऑक्टेव हैं। कि ये रे ग में मैंने लेसन में भी काफी बार बताया है कि ये समझो सा 100 है तो ये सा 200 है, ये रे 100 है तो ये रे 200 है, उसे दुगना। ये ग है तो इसे ये दुगना, ये म है तो इससे ये डबल। इस तरह से है कि यह प है तो प से दुगना नीचे प, समझो ये 100 होगा तो ये 50 होगा। ये ध समझो 100 होगा तो इससे आधा ध ब्लो लगाने में। ये नी नी में जितने फोर्स से हम ब्लो लगाते हैं उससे परफेक्ट आधी ब्लो इधर आएगी। इस तरह से फ्लूट में मिडल ऑक्टेव यानी कि मध्य सप्तक है, उसमें रे ग म ऊपर तार सप्तक बजते हैं और प ध नी नीचे आता है। इस तरह से ये आरोह है तो ये अवरोह है कि म जैसे म पे गए तो फिर म ग रे सा नी ध प, म ग रे सा नी ध प, ध नी सा रे ग म, प ध नी सा रे ग म, म ग रे सा नी ध प, म ग रे सा नी ध प। ये इतने ऑक्टेव, टू ऑक्टेव्स कंप्लीट बजते हैं फ्लूट में। नमस्कार, स्वरालेख आर्ट एंड म्यूजिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वर्टिकल फ्लूट में हम देखेंगे कि कितने ऑक्टेव सप्तक, कितने सप्तक उसमें बजते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा पहले तो मध्य सप्तक, हमारे सप्तक की डेफिनेशन क्या होती है कि सात सुरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। और कितने प्रकार के सप्तक हैं तो कि तीन प्रकार के, जो बीच वाला है वो मध्य सप्तक है, इससे मध्य सप्तक से दुगना नीचे है तो वो मंद्र सप्तक है, और मध्य सप्तक से दुगना ऊपर है उसको तार सप्तक। तीन ऑक्टेव्स टोटली हैं। लेकिन मिडल स्केल मध्य सप्तक ऐसा है कि जो इजीली प्ले कर सकते हैं और सिंग कर सकते हैं। ये जो मैंने बजाया वो मध्य सप्तक था। तो मध्य सप्तक में जो पहले लेसन में मैंने बताया था कि सा में भी ये फिंगर है और जो ऊपर वाला सा है उसमें भी यही फिंगर है, तो ये सा समझो पहला सा है और ऊपर वाला सा, तो ये दोनों में फर्क क्या है? तो ब्लोइंग का डिफरेंस है। जो पहले वाला सा है उसमें समझो 100 ब्लोस हैं तो दूसरे वाले सा में 200 हैं। पहले वाला जो एक्स है तो ये 2x है, इससे बरोबर दुगना ऊपर। इस तरह से फर्क है। फिर सब मिडल स्केल का सारे गम आप देखेंगे। अभी ये सा से हम नीचे जाएंगे तो मंत्र सप्तक आएगा। ये सा अभी है तो अभी सा से हम नीचे जाएंगे तो मंत्र सप्तक आएगा। ये जो मैंने स्वर गाए सा नी ध प, तो ये मंद्र सप्तक कहते हैं। प ध नी
सा सा नी द प प द नी सा। ये आधा मंद्र सप्तक है, आधा। अभी यही समझो मंद्र सप्तक को हम उसमें ब्लो डबल लगाएंगे और सा नी ध प द नी सा करेंगे तो वो मिडल ऑक्टेव हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो मंद्र सप्तक के स्वर बजते हैं उसकी दुगुन में जो फ्लूट ब्लोइंग होगी तो उसमें मिडल स्केल हो जाएगा। वो मैंने आगे वाले जो वीडियो हैं उसमें राइटिंग में लिख के पूरा एक्सप्लेन किया है लिथो में। अभी हम तार सप्तक में जाएंगे तो ये फ्लूट में, अभी बांसुरी में वर्टिकल फ्लूट में आपने देखा आधा मंद्र सप्तक बजता है, पूरा मध्य सप्तक, ये पूरा मध्य सप्तक हुआ। अभी साके हम ऊपर जाएंगे तो सा रे गा म गा रे सा सा रे गा म गा रे सा, वो तार सप्तक का है। अभी सारे गम मंद्र का अरे मध्य सप्तक का बजाए तो तरह से आधा आधा तार सप्तक बजता है, पूरा मध्य सप्तक और आधा मंद्र सप्तक, इस तरह से कुल मिला के दो पूरे सप्तक फ्लूट में बजते हैं। ये बांसुरी फ्लूट संपूर्ण वाद्य नहीं है, बराबर। तो ये कुल मिला के दो सप्तक। मैं अभी प से स्टार्ट करता हूं, प मंद्र सप्तक का प। इस तरह से पूरा आधा मंद्र सप्तक, पूरा मध्य सप्तक और आधा तार सप्तक। इस तरह से रियाज में आप खास देखें कि प प से ऊपर के तार सप प से शुरू करके तार सप्तक के मध्य तक आप पूरा आरोह और अवरोह प्ले करने की प्रैक्टिस कीजिए। तरह से ये सप्तक का पूरा वर्टिकल फ्लूट में हमने देखा कि वर्टिकल फ्लूट में और बास की फ्लूट में भी इस तरह से ये इतने ही सप्तक बजते हैं। तो ये आज के ये एक लेसन में हमने ये खास सप्तक के बारे में, ऑक्टेव्स के बारे में देखा।